हेलो चिल्ड्रन, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप उदास बैठे हैं, दुखी बैठे हैं और अचानक कोई आया, आपके कंधे पे हाथ रखता है और आपसे पूछता है, क्या बात है, क्यों उदास हो इतना? आप कभी मुसीबत में हैं, परेशान हैं और किसी ने आके आपसे कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा? आप काम कर करके एकदम थक चुके हैं, अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है और किसी ने आके एक ग्लास ठंडा पानी आपको पिलाया हो या गरम चाय का एक कप आपको लाके दिया हो, थकान उतार लो। ये सब करने वाला आपका कोई रिश्तेदार ना हो, ये सब करने वाला कोई आपका संबंधी ना हो, बल्कि एक निहायत अजनबी व्यक्ति हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप परेशानी में हो और किसी ने अचानक आपके आपकी मदद कर दी हो, या आपने घर का दरवाजा खोला और किसी अजनबी में ने मुस्कुराते हुए आपको फूलों का गुलदस्ता आपके हाथ में दे दिया? उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आपको वो खुश करना चाहता है, वो चाहता है आपके ऊंटों पे मुस्कुराहट आ जाए, आप खुश रहो, आपका दिन अच्छे से बीते उस घटना को याद करके कि एक अजनबी ने मेरी मदद की या एक अजनबी ने मेरी थकान दूर कर दी। या आपने कभी किसी के साथ इस तरह का किया है कि कोई थका हारा, उदास, निराश बैठा हो और आपने पूछ लिया हो, कोई समस्या है आपको, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? या किसी व्यक्ति को मुसीबत में देख के आपने अपना हाथ लगा दिया हो कि चलो मैं भी आपके साथ मदद करता हूं, आपका काम जल्दी हो जाएगा? देखिए बेटा, अपनों की मदद, अपनों की परेशानी से तो हर कोई दुखी होता है और उस परेशानी से उसको बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात होती है किसी अजनबी की मदद करने की, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ के किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उनकी चिंता सबको होती है। कभी उनकी चिंता करिए जो आपके नहीं है, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है। एक ही रिलेशन है, मानवता का रिलेशन, ह्यूमैनिटी का रिलेशन। कितना अच्छा लगता है ना जब हम रोते हैं तो कोई हमारा आंसू पोंछते। किसी रोते हुए का हमने आंसू पोंछा है? पोंछ के देखो, आपको लगेगा जैसे दुनिया की सारी संपत्ति आपको हासिल हो गई है जब आप उस रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखोगे। बड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में कि ऐसा भी होता है। आइए देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद इस पे कुछ बात करेंगे। ये वीडियो आपके सामने।
say that you mean it, but you don't anymore. There's Carolina to explore. I'm not kidding, I'm driving and you're just done. Used to say that you mean it, but you don't anymore. There's Carolina to explore. I'm not kidding, I'm driving and you're just done. I'm so over it, I thought you know. क्या देखा आपने? हाँ, कुछ लोग जो कुछ व्यस्त लोगों को कुछ बड़े प्रेम से ले जाके दे रहे थे, कभी किसी कागज पे लिखी हुई चीज की आप मुस्कुराते रहें, आप बहुत अच्छे हैं, या किसी को गुलदस्ता, या किसी को एक कप कॉफी, या कोई ऐसी चीज जिससे वो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, कुछ नहीं तो एक दोस्ताना हग, हग यानी गले मिलना। सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए, उसकी थकान उतारने के लिए। कौन लोग हैं ये? ये कौन लोग थे जो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे? ये है कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, इनका एक इनिशिएटिव है, इनकी एक पहल है, काइन। काइन का मतलब होता है दयालु, और इस दयालु मतलब से बना है काइननेस, भलाई, दयालुता, नेकी। कई प्रकार की नेकियां होती हैं, कई प्रकार की भलाई होती है। किसी को दुखी देख के अगर आप उसका दुख अपनी बातों से दूर करें, वो भी भलाई है। कुछ दे के उसकी मदद करें, वो भी भलाई है।
अगर आप उसके साथ रो लेते हैं वो भी भलाई है, वो भी भलाई है। एक छोटी सी घटना आपको बता रही हूं। एक अमेरिका की ही कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात है, कुछ कॉलेज के बच्चे टूर पे गए थे, ट्रिप पे गए थे, जैसे आप लोग जाते हैं एक्सकर्शन पे, वैसे ही बच्चे कॉलेज के एक्सकर्शन पे गए घूमने घामने। कहां, कहीं कोई वॉटरफॉल था, कोई जलप्रपात था, और एक बच्चा फोटो खींचते खींचते, वो वहां पे क्लिक कर रहा था, फोटो क्लिक कर रहा था जलप्रपात की, पानी गिरता है ना ऊपर से, उस फोटो को खींचते हुए उस बच्चे का पैर स्लिप हो गया, वो सीधे वॉटरफॉल में, और उसकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल था मां बाप को इस बारे में बता पाना कि आपका बेटा कॉलेज टूर में गया था और इस तरह से स्लिप होके उसकी डेथ हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी इस बात को बताने के लिए, कोई टीचर नहीं, उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम मां बाप को कैसे जाके ये बात बताएं। गलती पूरी उस बच्चे की थी, किसी और की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ वो इतना दुखद था कि कोई उसको बता नहीं पा रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल गए उस बच्चे के घर में, और जैसे ही उनके पिताजी ने दरवाजा खोला, उन्होंने गले लगा लिया उनको और फूट फूट के रोए। जब कॉलेज के प्रिंसिपल इस बुरी तरह से रोए वहां पे, और जब रोते हुए उन्होंने इस घटना को बताया, तो पेरेंट्स, बेटे का गम तो था ही, लेकिन उनका गम उस प्रिंसिपल का जो रिएक्शन था वहां पे, जिस तरह से वो उन्होंने खुद अपने ऊपर लेके, जिस तरह से उनका जो, जिस तरह से उन्होंने माँ बाप को बताया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया और मैं उस गम को किसी हालत में कम नहीं कर सकता, अपने ऊपर भी उस दुख को लिया, तो बाद में वो माँ बाप ने इस चीज को लिखा है एक किताब में, उनके फादर ने लिखा कि हम आज तक उस प्रिंसिपल को नहीं भूल पाए कि इतनी दुखद घटना को किस तरह से उन्होंने आके वो खुद रोए, इतना एक शब्द और कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ इसकी जानकारी दी और खुद उनके दुख में एकदम सहभागी होके उसी तरह से रोए जैसे वो मां बाप रो रहे थे। इतना डूब जाना किसी के दुख, आप जब दुख किसी का बांटते हैं तो उस व्यक्ति का दुख कम हो जाता है, जैसे खुशियां जो है वो डबल हो जाती हैं, दुख कम हो जाता है। ये जो ग्रुप कनाडा यूनिवर्सिटी का, जो जिस ग्रुप का मैंने बताया इनिशिएटिव काइंड, काइंडनेस इज नेवर डेड, भलाई कभी खत्म नहीं होती, आप चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, हमारे कर्म यहां रह जाएंगे, जो हमने किया है अच्छा बुरा सब यही रहेगा। इंसान चला जाता है, उसके कामों से लोग उसको याद रखते हैं। तो ये लोग किस तरह से दूसरों की मदद कर रहे थे, किस तरह से ये लोग दूसरों को हंसाने की, खुश करने की, उनकी थकान उतारने की कोशिश कर रहे थे, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। इन बातों का असर लंबे समय तक रहता है, जिनके साथ इन्होंने भलाई की है, ये भलाई जिंदगी भर वो लोग याद रखेंगे। वो छोटी सी मुस्कुराहट वो कभी नहीं भूलेगा जो इनके गले लगाने से मुस्कुरा दिए, इनके फूल देने से या एक कप कॉफी दे देने से जो लोग खुश हो गए, वो पलट के देख रहे हैं, देखा आपने उनका रिएक्शन, कितने खुश हो गए वो लोग, किसने दिया, कौन था ये, बहुत बड़ी चीज है, कभी करके देखिएगा, बेहद खुशी मिलेगी आपको। आइए इसी पे बात करते हैं आपके इस चैप्टर में, जो है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, पहले हम इसको रीड करेंगे, आप साइलेंट रीडिंग करेंगे, फिर हम इसको समझाएंगे। लेट्स स्टार्ट। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड
The pleasant land. Little deeds of kindness. Little words of love make our earth an Eden like the heaven above. आपका ये छोटी सी पोएम थी, इसको आप शांत एकदम पढ़िए, देखिए आपके समझ में क्या आ रहा है और क्या नहीं। हम मिलते हैं थोड़ी देर से।